करने क्या गए थे ये लोग ओशन के अंदर, विच वॉज क्लोज टू अ न्यू फाउंडलैंड अंदर, जो कि 13,000 फीट जो है गहरा था. आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ 5 डेज एंड मिसिंग दिस सबमरीन. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग. दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन. सो आज जो है मैं बात करने वाला हूँ मिसिंग सबमरीन की, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पर देखा होगा. मैं आपको सिर्फ शॉर्ट और सरल भाषा के अंदर इस चीज़ को समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है पिछले 4-5 दिनों से. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन अ सिंपल लैंग्वेज. सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं इस सबमरीन के बारे में. बेसिकली ये जो सबमरीन थी, इस सबमरीन का नाम था टाइटन, और ये जो टाइटन की जो सबमरीन थी इसको बनाया था ओशन गेट करके एक कंपनी है. सो उन लोगों ने ये बनाया था, और ये लोग बेसिकली करने क्या गए थे, ये लोग ओशन के अंदर, विच वॉज क्लोज टू अ न्यू फाउंडलैंड, ये लोग टाइटैनिक का जो डिबरी थी, जो टाइटैनिक का जहाज़ आपने सुना होगा डूबा था, अगर आपने मूवी वगैरह देखी है उसकी, तो सो टाइटैनिक के जहाज़ को जो है ये लोग एक्सप्लोर करने गए थे. सो ये सब लोग जो थे एक्सप्लोरर थे, और काफ़ी कुछ बिजनेसमैन भी थे, बिकॉज ऑफ कोर्स इतना बड़ा जो ये पूरा का पूरा प्लान किया गया, पूरा ट्रिप कोई काफ़ी एक्सपेंसिव था. ये कोई एक नॉर्मल एक्सप्लोरर तो इसमें जा नहीं सकते, बिकॉज देर वॉज लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन दैट. सो ये लोग जो है एक्सप्लोर करने गए थे टाइटैनिक की शिप को. जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ कि 1912 के अंदर जो है टाइटैनिक का शिप जो है सिंक कर गया था, विच वॉज क्लोज टू अ कनेडियन एंड अ यूएस बॉर्डर. न्यू फाउंडलैंड करके प्रोविंस है कनाडा का, वहाँ पर जो है ये 1912 के अंदर 14 या 15 अप्रैल के आसपास जो है उस ईयर के अंदर 1912 के अंदर ये उस टाइम पे ये सिंक किया था. और काफ़ी बार जो है इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए काफ़ी यूएस कोस्ट गार्ड वगैरह जा चुके हैं. और इसी सेम कंपनी ने 2012 के अंदर भी एक अपना सबमरीन भेजा था वहाँ पर. उस टाइम पर भी कुछ एक्सप्लोरर्स गए थे उसमें, वो लोग भी वहाँ पर विजिट करके आए थे, देख कर आए थे. इट वॉज़ अ सक्सेसफुल मिशन ड्यूरिंग दोज डेज, बट दे हैव प्लान्ड दिस मिशन अगेन. और ये जो सबमरीन पूरी की पूरी डिज़ाइन की गई थी, सो बेसिकली ये लोग गए थे डीप सी के अंदर, जो कि 13,000 फीट जो है गहरा था वहाँ पर. वहाँ पर जो है इस टाइम पे ये जो टाइटैनिक की शिप है इस टाइम पे वहाँ पर पड़ी हुई है. सो इसको एक्सप्लोर करने गए थे. जब ये लोग गए तो इनका टोटल जो टाइम स्लॉट डिसाइड हुआ था इस सबमरीन का, वो डिसाइड हुआ था 8 आवर्स के आसपास का. बेसिकली स्टार्ट हुआ 18th of June को, विच वो संडे लास्ट वीक, संडे मॉर्निंग को ये स्टार्ट हुआ. और जब ये लोग गए डीप सी के अंदर, अराउंड इनके वहाँ पर पहुँचने के बाद, जब इनकी जो कंटिन्यूटी हो रही थी, बातचीत चल रही थी अपने कंट्रोल रूम के अंदर, सो तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट के बाद जो वो सर्वर था वो ब्रेकडाउन हो गया, और जो इनके कनेक्शंस थे बात करने के, जो कम्युनिकेशन थी, वो पूरी की पूरी शटडाउन हो गई. और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में आ गई बात कि ऐसा ऐसा हो गया, ये लोग गए थे एक्सप्लोर करने के लिए 5 लोग, और कनेक्शंस जो हैं लूज़ हो गए. सो कुछ टाइम तक तो ये लगता रहा कि शायद किसी की टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से जो है वो कनेक्शंस लूज़ हो गए. और ये चीज़ जो है गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज़ को नहीं कन्वे की गई इस मैसेज को, सिर्फ ये जो थी बातचीत चल रही थी कंपनीज़ के बीच में या उन एक्सप्लोरर्स के बीच में. सो अब उसके बाद हुआ क्या कि कुछ 8 घंटे होने के बाद ये पूरी की पूरी जो खबर है वो गवर्नमेंट तक पहुंचती है. सो यूएस के जो कोस्ट गार्ड्स हैं, जो कि नेवी के हैं, उन लोगों ने जो है इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करी, ट्राई टू फाइंड दोज मिसिंग पीपल एंड द मिसिंग सबमरीन. सो ये जो है काफ़ी टाइम से ये चीज़ चर्चित में रही कि भाई ये लोग गए कहाँ. सो तकरीबन 11-1 घंटे के बाद इन लोगों की जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, फर्स्ट टू आवर्स के अंदर जो कनेक्शन को लूज़ कर दिया गया था. सो अगर वो चीज़ पहले ही डिस्क्लोज हो जाती कि ये लोग मिसिंग है, तो शायद मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर. बट एनीवेज जो है संडे को ये लोगों ने चेक करना शुरू किया उसके बाद. और चेक करने के बाद जो हुआ क्या इस चीज़ का कि वो जब उन्होंने सोनर जो क्या कहते हैं रेज होती हैं इनकी जो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये अपनी साउंड रेज को जो है भेजते हैं समुद्र के अंदर, उसके बाद उसकी रिफ्लेक्शन आती है कि चल क्या रहा है नीचे. सो वहाँ से जो है कुछ साउंड्स वगैरह आने लगी अराउंड मंडे या ट्यूसडे के टाइम पर. साउंड्स वगैरह आने का बेसिकली मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है अंदर चल रही है. सो हो सकता है कि वो जो आवाज़ें थी वो या तो सबमरीन से आ रही होंगी या किसी ना किसी चीज़ से. सो इट वॉज़ जस्ट अ डाउट. सो वो भी एक लूप के अंदर थे, उनको भी एक इस बात का डिलेमा था कि क्या वो सबमरीन की ही आवाज़ है या नहीं है. एनीवेज तो हुआ क्या, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनके पास जो ऑक्सीजन था अंदर रहने का, अगर वो लोग चलो मिसिंग थे, संडे को मिसिंग थे, मंडे को मिसिंग थे, ट्यूसडे को भी मिसिंग थे, नहीं मिले, आज जो है थर्सडे था. सो आज तक जो है उनके मिलने की उम्मीदें लगाई जा रही थी, और उनके मिलने के लिए काफ़ी सारी जो होप्स वगैरह लगी हुई थी. वो रीज़न ये था कि उनके पास जो अंदर उस चैम्बर के अंदर, उस सबमरीन के अंदर ऑक्सीजन था, वो थर्सडे तक का ही अवेलेबल था. सो थर्सडे इवनिंग तक का अवेलेबल था. अब थर्सडे इवनिंग कैनेडियन एंड यूएस टाइम के हिसाब से हो चुकी है, और रिसेंटली अभी 1 घंटे पहले ही जो है वहाँ से डिस्क्लोज़ हुआ है. सो जो ये 5 लोग थे जो इस सबमरीन के ऊपर सवार थे, उनमें से जो 5 लोगों में से जो CEO थे इस कंपनी के, ओशन गेट जिस कंपनी ने ये सबमरीन को डिज़ाइन किया था, उनका नाम था स्टॉकटन रश. वो इसके ऊपर सबमरीन के अंदर खुद थे. उनका भी इंटरव्यू वगैरह जब वो अंदर गए थे डीप वाटर के अंदर, तब वो भी वहाँ से जो है अपने मैसेजेस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वो चीज़ भी लाइव चल रही थी. उसकी भी वीडियो क्लिप्स जो हैं ऑलरेडी यहाँ पर सब इंटरनेट वगैरह पर अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी.
उसके बाद जो उसके अंदर दो पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे जो कि फादर एंड अ सन थे, जिनका नाम था शहज़ादा दाऊद जो पिताजी थे उनके, और जो सन थे उनके उनका नाम था सुलेमान दाऊद। उसके बाद एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था हामिश हार्डिंग, और एक डीप सी एक्सपर्ट थे जो कि टाइटैनिक के एक्सपर्ट भी थे, वो काफ़ी बार जो है इस चीज़ के ऊपर अपनी काफ़ी सारी स्टोरीज़ वगैरह पब्लिश कर चुके हैं, जिनका नाम था पॉल हेनरी। सो ये फ्रेंच थे। सो ये पांच लोग जो है इस सबमरीन के अंदर सवार थे, और अनफॉर्चुनेटली आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ 5 डेज एंड मिसिंग दिस सबमरीन, ये डिब्री मिलती है और इन लोगों को जो है डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। हमें मुझे भी इस चीज़ से जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इम्पैक्ट किया, क्योंकि मैं भी इस न्यूज़ को काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा था। सो हमारी भी कॉन्डोलेंसेज जो हैं इन पूरी फैमिलीज़ के साथ हैं, और काफ़ी बुरा लगा ये देख के, और आई होप कि सब कुछ अच्छा हो और आगे चल के। ये जो चीज़ें हैं एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं, बट ऑफकोर्स ये ज़िंदगी के ऊपर और लोगों के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। इसी कंपनी ने, ओशन गेट ने ही पहले भी काफ़ी सक्सेसफुल मिशंस किए हैं, सो इट वाज नॉट लाइक कि देर इज़ न्यू कंपनी और उनकी वजह से कोई गलती हुई है। सो ये सब चीज़ें चेक करके ही, ऑफकोर्स टेस्टिंग करके ही भेजी गई थी, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉल्ट के थ्रू या टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू ये चीज़ हुई है। आई होप कि अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, US कोस्ट गार्ड को ये इन्फॉर्मेशन पहले कन्वे कर दी जाती, या उन्होंने पहले इस ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया होता मिसिंग को फाइंड आउट करने का, सो ये चीज़ें जो हैं मिल सकती थी पहले। बट अब जो होना था सो हो चुका है। आई होप कि सब अच्छा हो उनकी फैमिलीज़ का। सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब बख़ैर।